going to describe you the writing task to. First of all, जिस तरह कि तुहानू पता है कि राइटिंग टास्क टू दे विच फाइव टाइप्स जिहड़े ऐसे आ आउंदे आ, बट अज मैं तुहानू अग्री और डिसअग्री वाला ऐसे जिहड़ा वा ओह एलैबोरेट करन जा रही हाँ। जो अग्री और डिसअग्री वाला ऐसे आ उहदे विच भी अगों टाइप्स हुंदियां ने, जिस तरह कि लास्ट दे विच लिखा होया डू यू अग्री और डिसअग्री, फिर तुसीं हमेशा एक साइड ते जांदे हो क्योंकि और जो वर्ड आ वो डिफाइन करता है तुहानू कि तुसी एक साइड ते जाओगे, जां तो तुसी अग्री वल जाओगे और जां तुसी डिसअग्री वल जाओगे। बट अगर तुहानू क्वेश्चन है टू वट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसअग्री, टू वट एक्सटेंट डू यू अग्री, फिर तुसीं हमेशा 70-30 भी अपना क्वेश्चन लिख सकते हो और 50-50 भी, मीनस तुसीं पार्शियली भी अपना आंसर लिख सकते हो और 70-30 भी जा सकते हो। बट अज दी वीडियो दे विच असीं एक साइड ते जावांगे, जां ते मैं अग्री दे बेस ते अपना आंसर लिखूंगी या फिर अपना डिसअग्री दे बेस ते आंसर लिखूंगी। फस्ट ऑफ ऑल मैं अपना जो स्टेटमेंट है उहनूं पढ़ांगी। द एक्सेसिव यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड टैलीविजन्स इज रिटार्डिंग द ग्रोथ इन चिल्ड्रन। उन्होंने कहा है कि जिहड़ा एक्सेसिव मीनस ज़्यादा जिहड़ा यूज़ करना है कंप्यूटर्स ते टैलीविजन नूं, ओह रिटार्डिंग मीनस रोक दिंदा आ किहदी ग्रोथ नूं, बच्चियां दी ग्रोथ नूं रोक दिंदा आ। विच इज़ शोन इन रीसेंट स्टडीज़, जिहड़ा कि अज कल दी रीसेंट स्टडी दे विच देखिया जा रहा है। डू यू अग्री और डिसअग्री, तुसीं इस स्टेटमेंट नाल अग्री हो जां डिसअग्री। फस्ट ऑफ ऑल मैं तुहानू कुछ चीज़ां जिहड़ियां वा ओह क्लीयर करनियां चाहुंदी आं, जो कि असीं अपने राइटिंग टास्क नूं लिखण लई हमेशा फोकस विच रखांगे। जदों भी तुसीं अपनी इंट्रोडक्शन लिखनी आ, एक जनरल लाइन जरूर दवो जो कि तुहाडी जिहड़ा टास्क आ उहदे बेस ते होनी चाहीदी आ। सैकेंड, जदों तुसीं BP1 स्टार्ट करोगे उहदे कनैक्टर्स जिहड़े आ वधिया होने चाहीदे आ, और जदों भी तुसीं अपना BP1 BP2 लिखदे हो और हमेशा सूटेबल तरीके नाल लिखो। इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। इन दिस कंटेंपरेरी अपॉक, अजकल दे दिन मीनस प्रेजेंट डे दे विच, तुसी इस वर्ड नू कंटेंपरेरी अपॉक लिख सकते हो, नाउ आ डेज लिख सकते हो या फिर टू डेज इरा भी लिख सकते हो, ठीक है। इन दिस कंटेंपरेरी अपॉक टेक्नोलॉजी एंड देयरफॉर इट इज़ नॉट अनकॉमन टू सी ऑफ ऑल एजेस ग्रुप बिकम इनक्रीजिंगली इनवॉल्व इन टेक्नोलॉजी। फस्ट लाइन दे विच मैं डिफाइन किया है कि अज कल दे जो डेज चल रहे ने टेक्नोलॉजी जिहड़ी आ मैक्सिमम यूज़ होने वाली है, ठीक है। और बिल्कुल अनकॉमन गल है कि जो असी देखते हैं कि हर एक एज ग्रुप जिहड़ा आ इसनू इस दे विच इनक्रीजिंगली मीनस बहुत ज़्यादा जिहड़ा वा इनवॉल्व हो रहा है एंड इट्स यूज ते नाल ही उहदा यूज़ भी कर रहा है। अमंग मैनी टेक्नोलॉजी, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी दे विचों वन इज टैलीविजन, एक जिहड़ा आ उह है तुहाडा टैलीविजन जिहनूं असीं की बोलदे हाँ नॉलेज बॉक्स बोलदे हाँ, एंड अदर इज कंप्यूटर, दूसरा की है कंप्यूटर है जिहनूं असीं मैन मेड मार्वल भी बोलदे हाँ। कंप्यूटर और टैलीविजन दे बेस ते कोई भी गल अपने स्पीकिंग विच बोलोगे या फिर राइटिंग टास्क विच लिखोगे तां तुसीं इन्हां दोवां वर्ड्स नूं यूज़ कर सकदे हो। नॉलेज बॉक्स इज टैलीविजन एंड मैन मेड मार्वल जिहड़ा आ उह तुसीं कंप्यूटर लई बोल सकदे हो। दीज टू गैजेट्स वैन एक्सैसिवली यूज बाय चिल्ड्रन कैन डेफिनेटली हिंडर देयर ग्रोथ। कहिंदे ने कि जदों ये ज़्यादा जिहड़ा गैजेट्स दा यूज़, गैजेट नूं असीं टैलीविजन और कंप्यूटर लई यूज़ कीता आ, तुसीं मोबाइल फोन लई भी गैजेट वर्ड का यूज़ कर सकदे हो, जदों ज़्यादातर इनक्रीजिंगली जिहड़े आ ज़्यादा तादाद दे विच बच्चे इस दा यूज़ करनगे ते डेफिनेटली उहनां दी जिहड़ी ग्रोथ आ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ। ਹਿੰਡਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਸਟੋਪ ਹੋਣਾ, ਰੁਕ ਜਾਣਾ, ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਵੀ ਰੁਕੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ। ਆਈ ਵਿਲ ਕਾਸਟ ਲਾਈਟ ਔਨ ਦਾ ਸੇਮ ਇਨ ਫੋਰਥਕਮਿੰਗ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ 'ਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਕਾਸਟ ਲਾਈਟ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਫੋਕਸ ਰਹੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ BP1 ਸਟਾਰਟ ਕਰੂੰਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ
प्रॉपर तरीके नाल डिफाइन कर दिती है और साथ ये बिल्कुल दस भी दिता है कि मेरा जिहड़ी लाइट आ बिल्कुल आने वाले जिहड़े पैराग्राफ से यही रहेगी कि जो गैजेट ने ये वाले दोवें ये बच्चों की ग्रोथ नू की आ स्टॉप कर रहे हैं। मीनस जो मेरा टास्क रहेगा वह बिल्कुल अग्री तो रहेगा कि मैं 100% जी ये स्टेटमेंट आ ये नाल की है एग्री कर रही हूँ कि मैं जो एक्सेस यूज़ आ कंप्यूटर का वो बच्चों की ग्रोथ नू की आ रोकता है। और BP1 और BP2 दे विच जो भी मैं लाइन्स जो भी अपने आइडियाज लिखांगी वो बिल्कुल अग्री दे बेस पे लिखांगी। अगर तुसीं इस लाइन नू चेंज करके भी लिखना चाहते हो तो तुसीं इस तरह भी लिख सकते हो, आई टोटली अग्री विद द स्टेटमेंट स्टेटमेंट भी लिख सकते हो और नोशन वर्ड भी यूज कर सकते हो, आई टोटली अग्री विद द स्टेटमेंट एंड आई विल कास्ट लाइट ऑन द सेम इन फोर्थकमिंग पैराग्राफ्स। हुण असीं गल करांगे कि असीं अपना BP1 मीनस बॉडी पैराग्राफ 1 किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं और किस तरह के आइडियाज़ जिहड़े आ उहदे विच लिख सकते हैं। जिस तरह कि आइडियाज़ तुहाडे बिल्कुल अग्री ते आ ते असीं सारे दे सारे आइडियाज़ जिहड़े आ अग्री ते ही बनाउणे हुंदे आ। और एक चीज़ हैगी है कि जिहड़ी जदों भी तुहानूं स्टेटमेंट आउंदी है फस्ट ऑफ ऑल अपने आइडियाज़ जिहड़े आ पहलां ही रफली नोट कर लो ताकि जदों तुसीं लिख रहे हो तुहानूं अपने आइडियाज़ जिहड़े आ उह भुल ना जाण और उहदे बेस ते ही तुसीं अपना जिहड़ा टास्क आ उह लिखते जाओ। फस्ट जदों असीं गल करांगे BP1 स्टार्ट करना है उहदे लई जिहड़ा कनैक्टर आ सूटेबल होना चाहीदा है, टू बिगिन विद और टू कमेंस विद भी लिख सकदे हो। टू कमेंस विद या टू स्टार्ट विद कुछ भी कनैक्टर लगा के तुसी जड़ा या वो अपना जड़ा BP1 वो स्टार्ट कर सकते हो। जिन्ना स्टूडेंट्स नू कनैक्टर्स दे विच प्रॉब्लम आ मैं ऑलरेडी ही कनैक्टर्स दे बेस ते वीडियो अपलोड कर चुकी हाँ, तुसी उस वीडियो ते विजिट करके तुसी अपने जो कनैक्टर्स आ उहदे जिन्ने भी तुहाडे प्रॉब्लम्स ने उन्हां नू क्लीयर कर सकते हो। जदों भी BP1 लिखो फस्ट तुसीं एक कनैक्टर दो, दैन जो भी तुसीं इस टास्क विच लिखना चाहुंदे हो जो कि BP1 दे विच लिखना चाहुंदे हो एटलीस्ट 1 लाइन दे विच डिफाइन जरूर करो, दैन अपना आइडिया दो। इट इज़ नॉन टू ऑल दैट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड एंड कंप्यूटर एंड टैलीविजन आर नो एक्सैप्शन टू इट, जो कि मैं सिंपल जी लाइन दे विच डिफाइन करता कि यह मनिया जाता है कि कोई भी चीज़ की जिहड़ी हद है वो बहुत ज़्यादा बुरी होंदी है ते कंप्यूटर और टैलीविजन भी इन्हां दे विच्चों कोई बाहर नहीं हन। फस्ट ऑफ ऑल हुण मैं अपना जो आइडिया आ वो स्टार्ट करांगी, ये मेरा फस्ट आइडिया है और ये वाली जो मेरी इस BP1 दी एक स्टेटमेंट है ताकि मैं अपने क्लीयर कर सकां कि मैं अपने BP1 दे विच की लिखन जा रही हाँ। जदों भी तुसीं कितें भी तुसीं अपना जिहड़ा BP1 है उहदी जनरल स्टेटमेंट एक जिहड़ी थीसिस स्टेटमेंट दवोगे ते एक अलग जी रिफ्लैक्शन आती है कि तुहानू पता है कि तुसीं अपने BP1 दे विच की लिखना चाहुंदे हो। अगर तुसीं टू कमेंस विद लगा के ही अपना आइडिया स्टार्ट कर देंदे हो ते उस दे विच कुछ भी क्लीयर नहीं हुंदा कि तुसीं कहना की चाह रहे हो। फस्ट ऑफ ऑल चिल्ड्रन डू नॉट नो हाउ टू बैलेंस और लिमिट द टाइम स्पेंड ऑन दीज डिवाइसिस, बच्चों नू नहीं पता कि किस तरह अपना टाइम जिहड़ा वा बैलेंस करना चाहिए तो लिमिट देनी चाहिए है इन्हों डिवाइसिस के उत्ते। ड्यू टू विच जिस करके विच देयर एकेडमिक्स विल सफर एंड इट कैन हर्ट देयर एबिलिटी टू लर्न एंड रिटेन, जिस करके वो अपनी जी एकेडमिक्स जी एजुकेशन हैगी भी सफर होंदा है उन्हों का, तो वह अपनी जी एबिलिटी आ लर्न करन दी और अपने दिमाग दे विच कुछ चीज़ां जिहड़ियां बिठा के रखन दी मीनस रिटेन करन दी एबिलिटी, एबिलिटी नूं तुसीं कैपेसिटी भी लिख सकदे हो, लर्न और रिटेन करन दी एबिलिटी नूं की आ उह खो दिंदे आ। हुण लर्न नूं तुसीं इनकलकेट वर्ड दे नाल भी लिख सकदे हो, ये वो कैब दा वर्ड है जिहड़ा कि तुसीं इहदे जगह ते लिख सकदे हो। हुण मैं अपना जिहड़ा आइडिया वो दे दिता है, हुण मैं अपने आइडिया दे बेस ते की करांगी एक एग्जाम्पल देवांगी और यही बिल्कुल परफेक्ट तरीका है किसी भी टास्क नू लिखन दा। टू साइट एन एग्जाम्पल फॉर दिस, इस दे बेस ते मैं एग्जाम्पल देवांगी। द आर्टिकल पब्लिश इन द न्यूज़पेपर द ट्रिब्यून सेड दैट
adolescents who spend most of their time on television, jede student apna jada adolescents means jede children jede bacche apna most of time jada va o television te spend karde aa aur computer te spend karde aa aur computer are less capacity to focus and retain rather than those who do not spend. उन्होंने कहा है कि जेडे बच्चे अपना कंप्यूटर ते और टेलीविजन ते ज़्यादा टाइम देंदे आ उन्हां दी कैपेसिटी जेडी हैगी आ फोकस करन दी, फोकस दी जगह ते तुसी कंसंट्रेट वी वर्ड लिख सकदे हो, कंसंट्रेट करन दी और रिटेन करन दी जेडी कैपेसिटी आ ओह घट हुंदी आ रैदर दैन दा मतलब हुंदा है दी बजाए, उन्हां दे बजाए जेडे कि नहीं देंदे, जेडे उन इस चीज़ों पर टाइम स्पेंड नहीं करते. रैदर दैन एक इदा का वर्ड है जिदी जगह पर तुसी इंस्टेड ऑफ भी लिख सकते हो, इंस्टेड ऑफ, इरिस्पेक्टिव ऑफ और वैदर ऑफ, ये कोई भी वर्ड लगा के तुसी जड़ा या इन्नू रिप्लेस कर सकते हो. मोरओवर, मोरओवर की डिफाइन कर रहा है, एक कनैक्टर आ जिदे विच मैं की अपना एक होर आइडिया देवांगी. स्पेंडिंग टाइम इन फ्रंट ऑफ दीस डिवाइसिस रिड्यूस सोशल इंट्रैक्शन, ज़्यादा टाइम स्पेंड करना इन्हों डिवाइसिस दे नाल की कर देगा, सोशल इंट्रैक्शन रिड्यूस कर देगा. सोशल अट्रैक्शन एक वोकैब का वर्ड है, सोशल अट्रैक्शन मीनस गलबात करना, जिस तरह कि बच्चे अजकल जड़ा आ वो गलबात नहीं करते, ज़्यादा टाइम जड़ा आ इन चीज़ों पर ही स्पेंड कर देंगे. चिल्ड्रन मे बी सिटिंग विद देयर फैमिली मैंबरस एंड वॉचिंग टैलीविजन और यूजिंग द कंप्यूटर येट दे आर देयर ऑनवर्ड, बेशक वो की करते अपनी फैमिली मैंबर के नाल बैठे होंगे तो टैलीविजन देख रहे होंगे तो कंप्यूटर यूज़ कर रहे होंगे तो वो अपने ही वर्ड के होंगे, उन्होंने टाइम स्पेंड नहीं कर सकते. स्टूडेंट ए सी बी पी वन नूं लिखण दा इक्को ही तरीका है, जदों भी तुसीं अग्री और डिसअग्री वाला ऐसे लिखोगे हमेशा एक कनैक्टर लगाओ, फस्ट एक कनैक्टर लगा के एक थीसिस स्टेटमेंट दो जिहड़ी कि तुहाडी बिल्कुल एक सिंपल रहना चाहिए कि तुसीं अपना इस बॉडी पैराग्राफ दे विच लिखना की चाहुंदे हो. उस तो बाद तुसीं एक आइडिया दो, आइडिया नूं अलैबोरेट करो और आइडिया दे बेस ते एक एग्जाम्पल दवो. एग्जाम्पल देन तो बाद तुसी एक होर आइडिया जिहड़ा वा ऐड करोगे जिहदे विच तुसी 2 to 3 or 4 लाइनस जिहड़ियां वा वो लिख सकते हो, दैन तुसी अपना जिहड़ा आइडिया वा उन्नू की कंक्लूड कर सकते हो और रिजल्ट भी दे सकते हो. रिजल्ट दे जो भी तुसी दोगे तुसी कुछ वर्ड्स जिहड़े आ लिख सकते हो, जिस तरह कि डज, देयरफोर और हैंस, ये कुछ वर्ड जिहड़े आ लगा के तुसी अपने जिहड़े आ BP1 उन्नू क्लोज कर सकते हो. नैक्सट हुण असीं गल करांगे असीं BP2 दे विच की लिखना है, जिस तरह कि मेरा जिहड़ा एसे आ बिल्कुल अगरी दे बेस ते आ, तो मैं अगरी दे बेस ते ही अपना कनैक्टर लगा के BP2 जिहड़ा आ ओह स्टार्ट करांगी. BP2 विच मैं कनैक्टर लगाया इन एडिशन टू दिस, क्योंकि मेरा जिहड़े आइडिया ने वह बिल्कुल सेम ने और मैं बिल्कुल अगरी ते ही सारा जिहड़ा एसे आ लिख रही हाँ, इस करके मैं एडिशन टू दिस लगाया. अगर मेरा फस्ट जिहड़ा आ BP1 वो अग्री दे बेस ते हुंदा और सैकेंड जिहड़ा BP2 और डिसअग्री दे बेस ते हुंदा, तो मैं ऑन द अदर हैंड या ऑन द कॉन्ट्रेरी साइड लगा के कनैक्टर जिहड़ा सी अपना BP2 स्टार्ट करना सी. जिस तरह आइडिया मेरे सेम है मैं ए वाला कनैक्टर लगाया, मैं फर्दर मोर या मोरओवर लगा के भी इन स्टार्ट कर सकती सी. इन एडिशन टू दिस द चिल्ड्रन आर बिकमिंग पोच पोटैटो एंड ओबेसिटी इज़ वेरी कॉमन प्रॉब्लम अमंग दैम, क्या गया है कि जेडे बच्चे ज़्यादा टाइम देंदे आ इन्हां चीज़ां इन्हां डिवाइसिस नूं, ओह की कोच पोटैटोस हुंदे आ जेडे कि ज़्यादा टाइम सिटिंग लेंदे आ, उन्हां नूं कोच पोटैटो वर्ड नाल बोलिया जा सकता है. एंड ओबेसिटी जेडी आ मोटापा जेड़ा आ उन्हां दे विच बड़ी ही कॉमन प्रॉब्लम है. हुण जिस तरह कि मैं इहनूं एलैबोरेट करांगी तो मैं लिखांगी वैन ऑल द टाइम दे स्पेंड ऑन सिटिंग दैन ऑबवियसली देयर इज़ लैक ऑफ फिजिकल एंड मैंटल ग्रोथ ड्यू टू नो फिजिकल एक्टिविटी, जिस तरह कि वो सारा टाइम जिहड़ा वा इन्हां डिवाइसिस दे उत्ते बैठे रहनगे, उन्होंने ही चलाउंदे रहनगे ते उन्हां दी कोई भी फिजिकल जिहड़ी है एक्सरसाइज नहीं होवेगी. लैक मीनस कमी, जदों
ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੀਨਸ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੇ ਮੈਂਟਲ ਗਰੋਥ ਤੇ ਕੀ ਆ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵੇਗਾ। ਦਸ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਦਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਦੇ ਫੇਸ ਮੈਨੀ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਸ ਇਨ ਦੇਅਰ ਬੋਡੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੀ ਆ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਗੇ। ਫਰਦਰ ਮੋਰ ਮੀਨਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਆਈਡੀਆ ਵਾ ਉਹ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਫਰਦਰ ਮੋਰ ਯੰਗ ਵਨ ਕੈਨ ਨੋਟ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਔਨ ਦੇਅਰ ਸਟੱਡੀ ਵੈਨ ਦੇ ਰਿਟਰਨ ਟੂ ਦਾ ਬੁੱਕ ਔਰ ਡੂ ਹੋਮਵਰਕ ਆਫਟਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਆਰਟਸ ਔਫ ਪਲੇਇੰਗ ਗੇਮਸ ਔਰ ਵਾਚਿੰਗ ਵੀਡੀਓਜ਼। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਵਨਸ ਹੋਣਗੇ, ਯੰਗ ਵਨਸ ਮੈਂ ਚਿਲਡਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੋਨੀਅਮ ਆ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਕਸੀਮਮ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਬਿਸਾਈਡ ਦਿਸ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਸ਼ੋਨ ਔਨ ਇੰਟਰਨੈਟ ਔਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਮੇ ਬੀ ਹਾਰਮਫੁਲ ਫੋਰ ਚਿਲਡਰਨ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਇੰਡ 'ਤੇ। therefore jis karke the offspring may be early mature to watch such content, aur jis karke jehde bacche hai oh jaldi mature ho jande ne inna videos nu dekh ke eh je content nu dekh ke। ACBP1 likhan da tarika jis tarah main baar baar same type te example nahi devangi kyunki mera sara da sara essay jehda ya oh agree de base te hai, aur agar koi student ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਐਡ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਫੋਰ ਇੰਸਟੈਂਸ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਰਵੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖੁਦ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਕਲੂਜਨ ਦੀ। ਕੰਕਲੂਜਨ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਨੈਕਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟੂ ਰੀਕੈਪੀਚੂਲੇਟ ਮਾਈ ਆਈਡੀਆਸ ਜਾਂ ਇਨ ਕੰਕਲੂਜਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਵਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਟੂ ਸਮ ਅਪ ਟੂ ਕੰਕਲੂਡ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨੈਕਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣਾ ਕੰਕਲੂਜਨ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਕੰਕਲੂਜਨ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਅਗਰੀ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਲਿਖੂੰਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ BP1 ਔਰ BP2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਉਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਲਡ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਐਡ ਕਰੂੰਗੀ। ਆਈ ਵੁੱਡ ਕੰਕਲੂਡ ਬਾਈ ਸੇਇੰਗ ਦੈਟ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਬਾਈ ਚਿਲਡਰਨ ਔਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਪਿਊਟਰਸ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਔਰ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਉਹ ਰਿਕੁਆਇਰ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਾਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਔਰ ਐਲਡਰਸ ਬਿਕੋਜ ਇਟ ਮੇ ਰਿਟਾਰਡਿੰਗ ਦ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਔਰ ਐਲਡਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਔਰ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਕੀ ਆ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਅਗਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਔਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ। ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਓਵਰਆਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਐਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਰੀ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰੀ ਜਾਂ ਡਿਸਅਗਰੀ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਅਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਅਗਰੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਟੇਬਲ ਆ। ਔਰ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੇ 'ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆਸ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਐਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।